हेलो गाइस, मैं कंपेयर करूंगा 1650 को 1650 टीए के साथ असैसिन्स क्रीड ओडिसी गेम में। तो चलिए शुरू कर दें। तो वीडियो सुनाइडियो को लाइक कर देना यार, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड वीडियो किस लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो आपने मेरी फार्मर 5 वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने दोनों को कंपेयर किया था, उसके अंदर हमें 8 FPS का डिफरेंस देखने को मिला था, लेकिन असैसिन्स क्रीड ओडिसी में हमें कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस देखने को मिलता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना यार, मैं बेंचमार्क करूंगा, एक ही बार करूंगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी 2 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूं मैं वीडियोस बनाने से पहले ही। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्टार्ट, एंड रूम टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस। तो विंटर्स चल रहे हैं तो टेम्परेचर कम ही होगा। कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आपका टेम्परेचर इतना कम कैसे हो गया, तो ऑल थैंक्स टू विंटर्स सीजन। चलो हो जा स्टार्ट। तो बताया जैसे मैंने आपको फार क्राई 5 में 8 FPS का डिफरेंस था, कई बार 7 कई बार 8, लेकिन इसके अंदर मैंने ऑलरेडी 2 बार टेस्ट किया है तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अब ज़्यादा मतलब ये नहीं कि 50-60 का डिफरेंस आ गया, मतलब उससे ज़्यादा आ रहा है, मतलब फार क्राई 5 से डिफरेंस ज़्यादा है, एंड उससे मतलब थोड़ा ज़्यादा ही है, मतलब जितना आपने सोचा था कि 1650 ऐसे खाली 7-8% बेटर है, लेकिन इस गेम में वो मैं आपको बेंच में देख के आपको पता लग जाएगा, इस गेम में ज़्यादा ही मतलब फ़र्क है, समझ जाओ। जो स्कोर आएगा तब आप देख लेना। एंड गेम की सेटिंग्स की बात करूँ तो मीडियम सेटिंग्स है, बिल्कुल सेम सेटिंग्स हैं। जब बेंच में कम्प्लीट होगा तब आपके सामने तो सेटिंग्स शो हो ही जाएंगी। तो इसमें जल्दी स्टार्ट हो गया, तो ये आपको पता ही है ये मेरा 1650 वाला है, यानी ये 1650 टी ही वाला है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पहचान पता है क्या है दोनों में। तो उसमें पहले स्टार्ट हो गए, तो ये कभी उसमें कभी जल्दी स्टार्ट होते हैं, कभी उसमें होते हैं। तो हो रहे हैं बेंचमार्क, एंड क्रैक्ड वर्जन है तो बीच में कभी कभी अटकती भी है गेम बेंचमार्क में। आवाज मैंने कम की हुई आई थिंक, है ही नहीं यार आवाज नहीं है बेंचमार्क में, है लेकिन बहुत ही कम है। तो नीचे भी थोड़ी बहुत सेटिंग्स दिख रही हैं, वी सिंक ऑफ FPS लिमिट ऑफ एडाप्टिक क्वालिटी ऑफ, तो देख लो 48 आ चुके हैं हमारे 1650 में, 62 आ चुके हैं हमारे 1650 TI पे। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, एंड जो मैंने ऑलरेडी 2 बार टेस्ट किए हैं उसके अंदर कितना डिफरेंस आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये हो गया हमारा 14 FPS का डिफरेंस, 14 FPS हमारा 1650 TI ज़्यादा दे रहा है। तो जब मैंने पहले टेस्ट किया था तो उसमें दे रहा था 13 FPS ज़्यादा, एंड एक बार 12, मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने चेक किया टेस्ट किया तो 12 FPS का डिफरेंस था, फिर 13 का हो गया, अब 14 का हो गया। तो एक बार और कर ही लेते हैं, चलो आपको दिखाई देते हैं। तो एक बार फिर कर ही देते हैं क्योंकि वीडियो तो छोटी हो चुकी है वैसे, एक बार और कर देते हैं। तो दो मतलब जो कहते थे ना कि खाली 6-7% का या 8% का डिफरेंस है, लेकिन इस गेम में ज़्यादा ही डिफरेंस आ जाता है। लैपटॉप टच स्क्रीन नहीं है, डस्ट लगी थी, एंड दोनों में 8 GB रैम है, रैम निकाली हुई है मैंने 1650 वाले से, इसमें लगाई हुई थी मैंने 16 GB रैम लेकिन निकाल दी थी पबजी PC वाली वीडियो से पहले ही। 1650 में मैं करता हूँ इसका गेमिंग रिव्यू। 1650 TI पे मैंने ऑलरेडी गेम प्ले का रिव्यू किया हुआ है इसके, इन ऑल सेटिंग्स आई थिंक, हाँ किया ऑन ऑल सेटिंग्स पे किया हुआ है, एंड इसका बनाना है 1650 पे, ट्राई करूँगा लो मीडियम हाई सेटिंग्स। तो 14 FPS का डिफरेंस आया था, तो अब देख लेते हैं। तो हर बार एक दो ऊपर नीचे होते रहते हैं, कई बार सेम भी आ जाता है,
लाइक मैंने इसके अंदर 2 बार पहले टेस्ट किया था, 49 ही आया था, तो इस बार जब वीडियो के सामने है 48 आ गया, तो ऊपर नीचे होते रहते हैं 1-2 FPS तो, एंड उसमें जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इसका जल्दी स्टार्ट होने का कारण ये हो सकता है क्योंकि इसकी हार्ड डिस्क में ज़्यादा सामान नहीं पड़ा, इसकी थोड़ी फुल हुई पड़ी है क्योंकि ये मेरा मेन लैपटॉप यही है, पर्सनली ये यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो इसकी फुल पड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि लाल दिखा रही है, फुल मतलब ज़्यादा भरी हुई है, होगी 100 GB तब भी खाली होगी। तो हार्ड ड्राइव का इस पे भी डिपेंड करता है, अगर फुल होगी थोड़ी और स्लो हो जाएगी। बाकी दोनों में तो यार 7400 रुपये में पता ही आपको। तो देख लो 49 आ गया ना, तो पहले 14 FPS का डिफरेंस आया था, तो अब देखते हैं कितने FPS का डिफरेंस है। तो 49 माइनस 63 और 60, और देखो फिर 14 FPS का भी डिफरेंस आ गया उसका एक बढ़ गया। तो ये एक दो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो फाइनल वर्ड की बात करें तो इस गेम में आपको 13-14 FPS का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है 1650 से 1650 Ti में। तो ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।